हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर में हैं तो एक टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। फर्स्ट पेपर फिजिक्स है, डिफरेंस बिटवीन जोन प्लेट एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जोन प्लेट और कॉन्वेक्स लेंस ये दो नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है भाई, हालांकि लोग कमेंट्स करते हैं सर वीडियोस थोड़ी सी कम आ रही हैं, हम तो चाहते हैं आंधी ला दें, लेकिन आप भी समझ सकते हैं कई चैनल्स हैं यहाँ पे, ऑफलाइन है, बहुत सारे काम है, लेकिन हाँ कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस लाने की। आपको अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट कर दिया करिए सर, कोशिश रहे कि जल्द, जैसे लोगों ने निकॉल प्रिज्म किया, हीलियम नियॉन लेजर, सारे टॉपिक बना देते हैं हम सर। ठीक है, तो जरा देखिए, जोन प्लेट का एक्शन कॉन्वेक्स लेंस के समान, यानी दोनों का एक्शन सेम ही होता है, चाहे वो जोन प्लेट हो। ठीक, अभी हम जोन प्लेट के ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे डिटेल अलग से, क्योंकि ये सभी टाइप्स की लाइट इसके फोकस पर प्राप्त होती है, तथा प्रत्येक वेवलेंथ के लिए एक जोन प्लेट कई फोकस होते हैं। अब यहां पे देखिए, हमने फार्मूला लिखा जोन प्लेट के लिए, ये होता है, इसका प्रूवमेंट भी है आपके कोर्स में, लेकिन ये दो नंबर का क्वेश्चन है। जब हम आपको जोन प्लेट प्रूव कराएंगे वहां पे इसका प्रूवमेंट कराएंगे, तो ये छोटा सा लिखा हुआ है, ये टीम के हमारे एक सदस्य ने लिखा हुआ है सर, हम तो सिर्फ पढ़ाने के लिए आ जाता है, लिखवा किसी और से लेते हैं कभी कभी अगर काम चल जाता है। तो प्रत्येक वेवलेंथ के लिए एक जोन प्लेट के कई फोकस होते हैं। क्या फोकस लेंथ इसकी क्या होती है? फोकल लेंथ fn बराबर rn स्क्वायर अपॉन n लैम्डा। यहां पे आप n का मान 1 रखेंगे तो f1 का मान निकल आएगा, यहां r1 हो जाएगा, f2 r2। ये होती है फोकस दूरी किसके लिए? जोन प्लेट के लिए। फिर क्या है? वायलेट कलर के लिए, जो वायलेट लाइट होती है उसके लिए वेवलेंथ सबसे कम और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, तथा जोन प्लेट एवरी कलर के लिए कई फोकस रखती है। यानी आपने पढ़ रखा है बिवग्योर सर, हाई स्कूल में पढ़ा होगा बिवग्योर। क्या होता है बिवग्योर भाई? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर्स होते हैं सर। ठीक है, तो इसमें जो वायलेट है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, और जो रेड है उसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, और जोन प्लेट हर कलर के लिए अलग अलग फोकस यानी कई फोकल लेंथ रखती है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निम्न होती है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखिए, हमने दोनों में फर्क, तो जोन प्लेट के लिए क्या हो गया? जोन प्लेट के लिए ये फार्मूला हो गया। कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या हो गया? ये हो गया 1/f = μ - 1। म्यू क्या है यहाँ पे? म्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, जिसे आप लोग अपवर्तनांक कहा करते थे, एन से लिखते थे, तो आप एन माइनस वन भी 12th में आपने ये प्रूवमेंट कर रखा है सर। ठीक है, फिर किसी गिवन वेवलेंथ के लिए फोकल पॉइंट्स की वेवलेंथ डिफरेंट होती है, यानी अलग अलग होती है। अतः जैसे जैसे हम स्क्रीन की ओर मूव करते हैं तो डिस्टेंस कम होगी, यानी बी बोले तो डिस्टेंस का मान कम होता जाता है, तथा हाफ पीरियड एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये हाफ पीरियड जोन क्या होते हैं, हाफ पीरियड एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये क्वार्टर वेव प्लेट क्या होती है, ये सब अपने आप में डिटेल टॉपिक है। कल बहुत सारी वीडियोस आएंगी, अगर कोई काम नहीं आ रहा, आपकी किस्मत अच्छी रही, क्योंकि मेरी किस्मत तो अच्छी है, हम तो, क्योंकि आप मान के चलिए कोई चैनल ऐसा तो है नहीं, ये मोनेटाइज है, जो हम 10 वीडियो ले आएंगे तो हम जो है क्रांति लिख देंगे, ये आपकी हेल्प कर, इस पर 50-60-100 व्यू आते हैं, तो ये आपकी मदद के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। कोशिश रहेगी कल आपकी मदद बहुत ज्यादा हो जाए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। मान के चलिए अगर 11 जून से स्कीम आई है तो 11 जून तक ज्यादा नहीं, लेकिन हम आपके लिए इतनी वीडियोस ले आएंगे कि आप आसानी से टेस्ट जो भी पेपर आपका है उसे अच्छे से कर पाएंगे। जो बच्चे बाद में देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।